बड़ी खबर, प्रदेश में कांग्रेस चलाएगी सदस्यता महाअभियान। 15 मई तक कांग्रेस महाअभियान चलाएगी, सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। संगठनात्मक चुनाव के लिए ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने पर जोर दिया जाएगा। तो 15 मई तक ये महाअभियान चलाया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। संगठनात्मक चुनाव के लिए ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने पर जोर दिया जाएगा। तो प्रदेश में कांग्रेस सदस्यता अभियान जो है वो चलाने वाली है। महाअभियान ये चलाया जाएगा 15 मई तक, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस संगठन से जोड़ने की कवायद की जा रही है। तो संगठनात्मक चुनावों के लिए ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने पर जोर दिया जाएगा। 15 मई तक ये महाअभियान चलने वाला है। तो 15 मई तक कांग्रेस का सदस्यता अभियान महाअभियान चलेगा। संगठनात्मक चुनावों के लिए ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने पर जोर दिया जाएगा। तो सदस्यता अभियान बीजेपी की तरफ से पहले चलाया गया और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी, और इसी की राह पर चलिए कांग्रेस। और सदस्यता अभियान लगातार चलाया जा रहा था जब से राह पकड़ी बीजेपी की कांग्रेस ने सदस्यता अभियान को लेकर, और अब महाअभियान में इसे बदल दिया गया है। तो 15 मई तक ये महाअभियान चलाया जाएगा। तो कांग्रेस भी सदस्यता महाअभियान चला रही है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस पार्टी से जोड़ने की पूरी कवायद होगी, और इसी को लेकर यह महाअभियान चलाया जा रहा है। तो संगठनात्मक जो चुनाव होंगे उसके लिए ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने पर जोर दिया जाएगा। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से। आशीष, बीजेपी की राह पर चल पड़ी है कांग्रेस, महाअभियान चलाया जा रहा है, लोगों को जोड़ने की कवायद चल रही है, किस तरह से यह महाअभियान चलेगा 15 मई तक? जी बिल्कुल अमृता, प्रदेश के जो कांग्रेस पार्टी के जो संगठनात्मक चुनाव होने हैं उनको देखते हुए जो कांग्रेस की ओर से ये सदस्यता महाअभियान की शुरुआत की गई है। 15 मई तक का समय लोगों को दिया गया है, जो प्रदेश पदाधिकारी हैं उनको ये समय दिया गया है। हालांकि इस बार कोई टारगेट जो है पदाधिकारियों को नहीं दिया गया है, पिछली बार इसमें टारगेट दिया गया था, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के 65 लाख से ऊपर जो सदस्य हैं वो बन चुके हैं, तो ऐसे में इस बार जो है कांग्रेस की ओर से कोई टारगेट नहीं दिया गया है। लेकिन जो जिला अध्यक्ष हैं और जिला प्रभारी जो है उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है सदस्य बनाए, जैसे कि जो संगठनात्मक चुनाव हो उनमें जो है वो कार्यकर्ता जो भाग लें। काफी निर्देश इनको लेकर दिए गए हैं। हाल ही में जो बैठक हुई सचिन पायलट प्रदेशाध्यक्ष जो है पीसीसी के, उनकी ओर से जो निर्देश दिए गए हैं वो सभी जिला प्रभारी और जिला अध्यक्षों को तमाम निर्देश दिए गए हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है सदस्य बनाए, जिससे कि आगामी जो संगठनात्मक चुनाव हुए हैं उसमें अच्छी सदस्यता अभियान देखने को मिले। आशीष, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से एक टारगेट दिया गया था, क्या कोई टारगेट उस तरह से दिया गया है पार्टी में कि हाँ इस टारगेट को 15 मई तक पूरा कर लेना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें टारगेट दिया गया था, लेकिन वो टारगेट पूरा नहीं हो पाया था। ऐसे में इस बार जो है कांग्रेस की ओर से कोई टारगेट नहीं दिया गया। हालांकि समय का जो है 15 मई तक का जो है समय दिया गया है उसमें जो है ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने हैं, क्योंकि मोबाइल बैन के माध्यम से जो सदस्य बनाने थे उसकी शुरुआत कांग्रेस की ओर से नहीं हुई है, और भाजपा की जो है 65 लाख से ऊपर जो है सदस्य बन चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी जो है उनको यही निर्देश दिए गए हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है सदस्य बनाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो पूरी कोशिश है कांग्रेस की कि वो ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाए। हालांकि इस बार कोई टारगेट नहीं दिया गया है, लेकिन सभी जिलाधिकारियों को सभी नेताओं को ये कहा गया है कि वो संगठनात्मक चुनाव के लिए तैयार रहें, और इसी के तहत जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस संगठन से कांग्रेस के साथ जोड़े। तो ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने पर जोर दिया जाएगा, और इसी को लेकर 15 मई तक महाअभियान चलाया जा रहा है लोगों को कांग्रेस से जोड़ने के लिए। तो प्रदेश में कांग्रेस सदस्यता महाअभियान चलाने जा रही है, और यह फैसला लिया गया है। टारगेट तो नहीं दिया गया है, लेकिन कहा गया है कि सभी को मिलकर ज्यादा से ज्यादा सदस्य 15 मई तक बनाने चाहिए।